उत्तराखंड के काशीपुर से एक खौफनाक वीडियो सामने आया है जिसे आपके साथ शेयर करना है। यहाँ जसपुर कोतवाली क्षेत्र में कुछ दबंगों ने एक प्रेमी जोड़े की बहुत बुरी तरह से पिटाई कर दी। अब तस्वीरें आपके सामने होंगी, आप देखेंगे कैसे खेत में कुछ लोग एक शख्स के कपड़े उतारकर उसे जमीन पर गिराकर बुरी तरह से पीट रहे हैं। लड़की को गन्ने से पीटा जा रहा है, गंदी गंदी गालियां दी जा रही है। गुंडों ने लड़की को मार मार कर लहूलुहान कर दिया। आसपास खड़े लोग तमाशबीन बने रहे, किसी ने इन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। लड़का चीखता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन किसी को तरस नहीं आया। लड़की की पीठ पर एक के बाद एक गन्ने से कई बार वार किए गए। बाकी लोग पिटाई का वीडियो बनाते रहे। अभी दूसरी तस्वीर को दिखाते हैं आपको। गुंडों ने लड़की की भी बुरी तरह से पिटाई की है, उस पर गन्ने से वार किया। 5 से 6 लड़कों ने प्रेमी जोड़े को घेर दिया। पिटाई का ये वीडियो कब का है ये साफ नहीं है, लेकिन इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आ गई है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। अब इन आरोपी युवकों की तलाश शुरू हो गई है। पीड़ित लड़का और लड़की की हालत बहुत गंभीर है। बताया जा रहा है कि प्रेमी जोड़े को खेत में देखकर गुंडों ने उन्हें घेर लिया और बुरी तरह से पीटा। और अब दूसरी खबर का रुख कर रहे हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने एक बार फिर से बड़ा झटका दिया है। दिल्ली सरकार की फीडबैक यूनिट की जांच कर रही सीबीआई ने केजरीवाल सरकार की स्पाई यूनिट को नियमों के खिलाफ बता दिया है। सीबीआई ने फीडबैक यूनिट के गठन पर भी सवाल उठा दिए हैं। जी मीडिया के अखबार डीएनए को मिले दस्तावेजों के मुताबिक केजरीवाल सरकार ने बिना कैबिनेट नोट पेश किए ही ये यूनिट बना ली। दस्तावेजों के मुताबिक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसके गठन का प्रस्ताव रखा और मंत्रिमंडल ने बिना कैबिनेट नोट के उसे स्वीकार कर लिया। कैबिनेट ने 29 सितंबर 2015 को डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस में फीडबैक यूनिट के गठन को मंजूरी दी और विजिलेंस सेक्रेटरी को फीडबैक यूनिट के गठन का प्रस्ताव सौंपने को कह दिया। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म डिपार्टमेंट जो है उसने सिर्फ 88 पद के गठन पर सहमति जताई थी। इन 88 पदों के गठन के लिए भी लेफ्टिनेंट गवर्नर की अनुमति ली नहीं गई, लिहाजा ये फैसला भी पूरी तरह से गैर कानूनी था। साथ ही ये जो गठित किए गए पद है उनके लिए कोई भर्ती पैमाना तय नहीं किया गया था। फीडबैक यूनिट के 20 पदों में से 17 पर रिटायर्ड कर्मचारियों को तैनात किया गया। इसके लिए भी लेफ्टिनेंट गवर्नर की इजाजत ली जानी चाहिए थी, जो कि नहीं ली गई। अब इस पर बातचीत करने के लिए और इस खबर को और डिटेल में समझाने के लिए हमारे साथ जी मीडिया रिपोर्टर अश्विनी गुप्ता जुड़ गए, उनका रुख करते हैं। अश्विनी, इस पर किसी तरह का कोई रिएक्शन आम आदमी पार्टी का आया है, क्योंकि सीबीआई ने ये कह दिया है कि ये फीडबैक यूनिट पूरी तरह से गैर कानूनी है। बिल्कुल, देखिए ये हम आपको बता दें कि ये जो पूरा मामला था, ये जो पिछले उपराज्यपाल थे उन्होंने इस बारे में रिपोर्ट जो है वो सीबीआई को भेजी थी। जब उन्होंने यहाँ से अपना पद छोड़ा था उसके बाद ये पूरी रिपोर्ट बना करके सीबीआई को भेजी थी और उसके बाद से ही इस मामले को लेकर के जांच जो है चल रही है। हालांकि सीबीआई ने अब ये साफ कर दिया है कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है और जांच हो रही है, लेकिन दिल्ली सरकार अभी तक इस मामले पर खुलकर कोई भी बयान नहीं दिया है। दिल्ली सरकार ने कि किस तरह से ये यूनिट थी और बिना एलजी की परमिशन के इन्होंने किस तरह से ये यूनिट बना ली। सबसे बड़ा जो सवाल इस पर उठाया गया था वो यही उठाया गया था कि अगर आप कोई भी डिसीजन ले रहे हैं तो आपको एलजी का अप्रूवल जरूरी है, लेकिन इस पूरी यूनिट को बनाने के लिए एलजी से अप्रूवल नहीं लिया गया और इसी बात के ऊपर ऑब्जेक्शन जो है पूर्व एलजी ने उठाई थी। आप वादा करते हैं पारदर्शिता का और आप चीजें गठित करते हैं खुफिया आधार पर, तो अब ऐसे में सफाई क्या बनती है ये समझ में नहीं आता है। सिर्फ एक रटा रटाया है कि सब मिले हुए हैं। बिल्कुल, देखिए दिल्ली सरकार से जब ये सवाल पूछे गए थे तो उस वक्त उन्होंने ये कहा था कि ये करप्शन के ऊपर निगाह रखने के लिए यूनिट जो है बनाई जा रही है, ताकि कोई भी अगर कर्मचारी है वो करप्शन करता है तो उसकी जानकारी इसके जरिए मिल सके। लेकिन ये सवाल अपने आप में है कि अगर आप इस वजह से बना भी रहे हैं तो इसमें जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करने में क्या दिक्कत है। आप इस पूरी यूनिट के बारे में एलजी को भेजिए, उनसे अप्रूवल लीजिए, उसके बाद आप करिए, लेकिन जो नियम है जो कानून है उसको फॉलो नहीं किया गया और इसी को लेकर के आपत्ति जो है इसको इस पर जताई गई थी। अश्विनी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो एक और बड़ा झटका
विजिलेंस सेक्रेटरी को फीडबैक यूनिट के गठन का प्रस्ताव सौंपने की निकाय बहरा।